मान को आया फूफा सा के ऊपर गुस्सा। जी हाँ वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड आपको बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेगा, ये रिश्ता क्या कहलाता का। और वही एक तरफ आपको अपकमिंग एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली अरमान को आ चुका है गुस्सा फूफा सा के ऊपर। जी हाँ वेल दोस्तों, हुआ कुछ ये, यानी कि आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि फाइनली फूफा सा होते अरमान को कह रहे होते कि तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। जी हाँ, तो वही एक तरफ आपको देखने को मिलेगा जो अरमान होता है कागज पे देख लेता है कि आखिर किस लिए मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, यानी कि डाइवोर्स पेपर पे वो देख लेते हैं कि आखिर किस वजह से मेरे को झूठ बोलना पड़ेगा। और झूठ ये होता है कि अभीरा और अरमान की शादी झूठी हुई है और जबरदस्ती हुई है, ये शादी नहीं करना चाहते थे ये दोनों। जी हाँ, इसे सुनने के बाद जो अरमान होता है बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है फूफा सा के ऊपर और फूफा सा को बोलने जाता है कि हम कभी भी ऐसा नहीं करने वाले हैं, बल्कि मैं भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, चाहे आपको कुछ भी करना है कर ले, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहने वाला हूँ कि मेरी और अभीरा की शादी झूठी हुई है। जी हाँ, तो वही तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो फूफा साहब होते हैं वो समझा रहे होते हैं अरमान को कि प्लीज तुम ऐसा ही बोलना पड़ेगा, अगर 15 दिन में डाइवोर्स नहीं होने वाला है तो प्लीज तुम्हें ऐसा ही बोलना पड़ेगा। जी हाँ, तो वही तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो अरमान होता है फूफा साहब को कह रहा होता है कि एक बात मैं भी आपको बता दूं, मैं भी वकील हूं, पर मेरे को भी पता है कैसे क्या करना पड़ता है, लेकिन इस चीज के लिए मैं झूठ कभी भी नहीं बोलने वाला हूँ। जी हाँ वेल दोस्तों, अब देखना ये होगा कि क्या होता है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, क्योंकि अरमान ने तो अब अपना फैसला ले लिया कि वो झूठ नहीं बोलेगा कोर्ट में। वेल आपको क्या लगता है अब अभीरा क्या लेने वाली है फैसला, तो ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ऐसे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो पर एक नए अपडेट के साथ। और हाँ, वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और किसी टाइप का क्वेरी हो तो कॉमेंट करके पूछ सकते हो। सो बाय। Thank you.